हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे किसके बिजनेस स्टडी का जो नोट्स है 11th क्लास का, उसमें हम तीन चैप्टर का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, जो कि हमारा होगा क्या चीज़, बिजनेस ट्रेड कॉमर्स, बिजनेस ट्रेड कॉमर्स। उसके बाद हमारा रहता है नेक्स्ट टॉपिक क्या, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल इंटरप्राइजेस। ये तीन यूनिट आज हम कंप्लीट करेंगे इस मैराथन क्लास में, जो कि हमारा एक फास्ट रिवीजन होगा आपको याद करवाने के लिए। और इसमें हम देखते चलेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं, उसको भी आपको एक बार याद करवाया जाएगा, कोशिश रहेगी याद करवाने के लिए, और अंडरलाइन भी कर दिया जाएगा, तो उससे आपको देख लीजिएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको याद है या नहीं है वो। तो हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट चैप्टर। पहला आता है हमारा बिजनेस ट्रेड कॉमर्स। तो सबसे पहली बात है कि हमारी मल्टीफेरियस एक्टिविटी इन आवर डेली लाइफ, बहुत सारी एक्टिविटीज करी जाती है हमारी लाइफ में। बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस से पहले हम देख लेते हैं एक्टिविटी कितने टाइप्स की होती है। एक्टिविटी दो टाइप्स की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो हमारा किससे पैसे कमाने से रिलेटेड होता है, तो वो एक तरीके की हम साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में, देसी भाषा में बोले तो पैसे जिससे कमाए जाते हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो हम एक तरीके की बढ़ाई के लिए या फॉर क्या बोलते हैं सोशल वर्क के लिए करते हैं, वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लाइक ए वर्कर इज वर्किंग इन फैक्ट्री, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और सोशल वर्क क्या है कि एक नर्स है अपने बच्चे का इलाज कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने कितने टाइप्स की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बात आती है कि रोल ऑफ ए बिजनेस इन डेवलपमेंट इकोनॉमी, जो हमारा बिजनेस है उसका डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल था। तो इसका मतलब क्या बोला है, बिजनेस एक्टिविटी हैव बीन टेकन सिंस द एंशियंट एरा, पुराने समय से देयर एग्जिस्ट ट्रांसफर ऑफ गुड्स, गुड्स का ट्रांसफर किया जाता था विद इन और आउटसाइड द कंट्री, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था पुराने समय में। द इनकम फ्रॉम सच इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटीज वर रिसीव्ड फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। वन सच एग्जाम्पल, पहले समय में क्या यूज किया जाता था, ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, क्या चीज, हुंडी। हुंडी क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट है एक्सचेंज, यूज्ड इन ओल्ड टाइम्स, पुराने समय में एक्सचेंज के तौर पे क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। इन्वॉल्व ए कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट था, दैट वारंट द पेमेंट ऑफ मनी, प्रोमिस और ऑर्डर विच इज अनकंडीशनल एंड कैन बी एक्सचेंज थ्रू द ट्रांसफर बाय द वैलिड नेगोशिएबल नेगोशिएशन। जैसे कि हमारा एक तरीके के आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वैसे पुराने जमाने में हुंडी था जिसके बिहाफ पे पूरा बिजनेस का लेन देन किया जाता था। एंड एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में ट्रेड सेंटर्स भी थे हमारे, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे अलग अलग गुड्स के, जैसे पाटलिपुत्र, पेशावर, टेक्सिला, इंद्रप्रस्थ, मिथाला, मदुरम, सूरत एटसेट्रा। तो हम ये देखेंगे पहले कि हुंडई जो थे प्रैक्टिसाइज्ड बाय द इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज। तो पहले क्या थी, धनी जोग, धनी से याद रखना है कि धनी तो पेबल टू एनी पर्सन, किसी भी आदमी के, धनी लोग क्या होते थे, किसी भी आदमी को दे देते थे, सा जो मतलब कि स्पेशल आदमी को दिया जाएगा, ये याद रखने का तरीका है। धनी से मतलब ऐसे आदमी जो किसी को भी दे देते हैं पैसे, दे देते थे, मतलब उस तरीके के याद करना पड़ेगा आपको। सा मतलब स्पेशल लोगों को दिया जाता, फिर मैन मतलब फिर से ऑर्डर दिया गया है पैसे देने के लिए। देखा मतलब देख करके के ही डॉक्यूमेंट देखेगा तभी वो देगा। धनी, धनी मतलब फिर दोबारा से धनी आ गया, तो मतलब धनी दो बार आया है, एक बार तो वो चुपचाप दे देगा और एक बार स्पेसिफिक टर्म के लिए ही देगा। फिर मैन मतलब फिर से वो देगा और फिक्स टर्म के लिए देगा, एक बार तो किसी भी टाइम पीरियड के लिए दे देगा और एक बार एक स्पेशल पर्पस के लिए देगा या स्पेशल टाइम पीरियड के लिए। जोखिम, जोखिम बहुत बड़ा है, तो मतलब कि क्या बोला है, इट इज ड्रोन, पहले ही बना दिया जाएगा अगेंस्ट डिस्पैच ऑफ गुड्स, गुड्स भेजने से पहले ही, मतलब कि उसको पहले से जोखिम लेने की आदत नहीं है। तो ये थे हमारे हुंडीज के अलग अलग टाइप्स, जो धनी जोग, शाह जोग, फिरमैन जोग, देखन जोग, धनी जोग, फिरमैन जोग, जोखिम, ये थे। नेक्स्ट है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है कि परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, सामान को खरीदना बेचना डेली के डेली बेसिस पे, किस लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, अर्न प्रॉफिट थ्रू मैकेनिज्म ऑफ सेल एंड परचेज में। और वो कैसे बेसिस पे होना चाहिए, रेगुलरली बेसिस पे होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। अब बात आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस कितने, बिजनेस की एक्टिविटी क्या है। और पहले के टाइम में, जो इसमें एक पॉइंट छूट गया है, पहले के टाइम में हुंडी और चीटीज, हुंडी और चीटीज दोनों का यूज किया जाता था बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह, मतलब पैसे के लेन देन में। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारा बात आता है कि एक सेकंड, इसमें एक पॉइंट, इसमें एक पॉइंट छूट गया। पॉइंट क्या था कि जो हमारा पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र किसके लिए फेमस था, पाटली पुत्र,
किसके लिए फेमस था? जो पाटलिपुत्र फेमस था उसको बोला जाता है पटना, किसके लिए था? पटना के लिए बोला जा रहा है उसको। और मेजर वो फेमस था किसका? मेजर सेंटर था एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन, स्टोन के लिए। किसके लिए? स्टोन के लिए क्या था वो फेमस था? किसके लिए फेमस था वो? स्टोन के लिए फेमस था वो। नेक्स्ट हमारा आता है कि पेशावर, पेशावर पेश करके, पेशावर से मतलब पेशावर, पेशावर मतलब पेश करना। क्या चीज पेश करना? घोड़े का, घोड़े की रेस पेश कस करते हैं हम, तो पेशावर से याद रखना अपना। इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेज और वूल्स का, मतलब वूल का और हॉर्सेज का। तो जनरली जो पूछा जाता है मैं वही बता रहा हूँ आपको। पाटलिपुत्र याद कर लेना, पेशावर याद कर लेना। उसके बाद आपका एक है उज्जैन, उज्जैन क्या हो गया, स्क्रीन काम क्यों नहीं कर रही? उज्जैन, उज्जैन किस के लिए फेमस है? उज्जैन फेमस है किसके लिए? क्लोथ की एक्सपोर्ट के लिए। किसके लिए? क्लोथ के एक्सपोर्ट के लिए, टू डिफरेंट सेंटर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद वाराणसी, वाराणसी से याद रखना गोल्ड सिल्क क्लोथ। क्या है? गोल्ड सिल्क क्लोथ या चंदन की लकड़ी होगी, वर्कमैनशिप हो गया। तो वो किसके लिए फेमस था? वाराणसी के लिए फेमस था। सूरज था, सूरत, सूरत किसके लिए फेमस था? सूरत फेमस है किसके लिए? सूरत फेमस है किसके लिए? गोल्ड बॉर्डर जारीज के लिए। किसके लिए? गोल्ड बॉर्डर जारीज के लिए फेमस था। क्लियर है बात? और पुराने समय में क्या था कि क्या चीज? कावेरी पट्टा, कावेरी पट्टा का आज का नाम कावेरी पट्टा। क्या चीज? कावेरी पट्टा, कावेरी पट्टा को आज के नाम से बुलाया जाता है। किसके नाम से? कावेरी पट्टनम के नाम से बुलाया जाता है, जिसमें फॉरेन ट्रेड एंड हेड देयर हेडक्वार्टर इन द सिटीज, जिसमें कि हेडक्वार्टर्स रहते थे उन्हीं की सिटीज में। तो क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारा आता है बिजनेस, बिजनेस हमने पढ़ लिया। तो अब बात आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का किया जाता है, और फॉर क्रिएटिंग वैल्यू रेगुलर हमें काम करना पड़ता है, तभी हम वो क्या बोलेंगे? बिजनेस बोलेंगे। प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब खरीदना और बेचना किस चीज का किया जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज का। प्रॉफिट अर्निंग हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है, पता नहीं बदले में प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिस्क भी हो सकता है। रिस्क मतलब कि कैसे भी रिस्क से हमें फेस करना पड़ सकता है, नेचुरल फैक्टर से, ह्यूमन फैक्टर से, फाइनेंशियल फैक्टर से, मतलब बहुत सारे के हमारे रिस्क भी क्या करने पड़ सकते हैं, बियर करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोफेशन, प्रोफेशन है किसके लिए? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें पता है तो वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड बाय द पर्सन, आदमी के द्वारा किया जाता है, विद स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्किल, नॉलेज स्किल इन ऑर्डर टू सर्व द सोसाइटी, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, इन्वॉल्व डूइंग द वर्क फॉर समवन एल्स, दूसरों के लिए काम करना, इन कंसिडरेशन बदले के लिए क्या मिलेगा? उसको पैसा मिलेगा। ये था मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि लीगल फॉर्मेलिटीज थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, सर्टिफिकेट होने चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए। सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जाती है, सर्विस दी जाती है, काम किया जाता है दूसरों के लिए, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जॉब चाहिए। बदले में क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, प्रोफेशन फीस मिलेगी, वेजेज या सैलरी मिलेगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, कम है, नहीं है, हाई रिटर्न है, लिटल है और नो है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है। कोड ऑफ कंडक्ट का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, किसमें ज्यादा जरूरी है? प्रोफेशनल पे कोड ऑफ कंडक्ट का रिक्वायरमेंट ज्यादा कंपलसरी है, और रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, किसमें? इंप्लॉयमेंट में। क्लियर है बात? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनको किस बेसिस पे बांटा गया? तो बिजनेस एक्टिविटीज को बांटा गया इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बेसिस पे क्या बांटा गया है? बिजनेस एक्टिविटीज को बांटा गया है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में कंसर्न है किससे रिलेटेड? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक मोटिव। इट इज फर्दर इनटू डिवाइडेड कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टेरिटरी में। तो ये तीन टाइप्स की इंडस्ट्रीज में हमने बांट दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती है? देखो तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो होती है जो किससे रिलेटेड होती है? एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने से रिलेटेड, मतलब कि कोयला निकालने से लेकर के, तो ये खदान वगैरह से रिलेटेड किया होती है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में भी दो बांट दे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मतलब जमीन से निकालना, एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक मतलब मछली पालन करना, भेड़ बकरी पालना, तो ये सब किस में आ गया? जेनेटिक में। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या हो गया कि जो मटेरियल हमने प्राइमरी इंडस्ट्रीज पे निकाला था उसको फर्दर कन्वर्ट करके एक फिनिश गुड्स में तैयार करना, जैसे माइनिंग ऑफ आयरन। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी हमने अलग अलग बेसिस पे बांट दिया, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबलिंग। असेंबलिंग से याद करना कि कंप्यूटर, कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट जोड़ करके एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो हम वो हमारा क्या बन जाता है? असेंबली। प्रोसेसिंग में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तैयार करते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, पेपर हो गया, तो वो किस में आ गया? प्रोसेसिंग। जो कंफ्यूजन होता है लोग बा एनालिटिकल और सिंथेटिकल में होता है। एनालिटिकल क्या होता है कि
एक प्रोडक्ट से अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करते हैं, एक प्रोडक्ट से अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल, मतलब पहले क्रूड ऑयल निकाला जाता है, उससे पेट्रोल डीजल निकाल अलग अलग सेपरेट किया जाता है, और सिंथेटिकल मतलब अलग अलग प्रोडक्ट मिला करके एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं हम सिंथेटिकल इंडस्ट्री, मतलब कि हम देसी भाषा में बोले तो। और एग्जांपल इसका सीमेंट फैक्ट्री, मतलब जनरली पूछा जाता है सीमेंट इंडस्ट्री किससे है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री से, और ऑयल किससे है, एनालिटिकल इंडस्ट्री से। क्लियर है बात। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, रोड ब्रिज डैम बनाना, ये किस में आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आ जाएगा। टेरिटरी इंडस्ट्रीज क्या होती है, टेरिटरी इंडस्ट्रीज होती है जो सर्विस से रिलेटेड होती है। दीज इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विस टू द प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करवाती है। दे परफॉर्म देयर वर्क विदाउट एनी हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग, मतलब विदाउट लुका छुपे के वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी, लाइक बैंकिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन टू इंडस्ट्रीज, तो ये सब हमारे किस में आ गए, फैसिलिटीज देती है। अब बात आती है कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब क्या है, कॉमर्स इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जितनी भी एक्टिविटीज जो की जाती है गुड्स को एक्सचेंज करने में, वो सारी की सारी किस में पाई जाएगी, कॉमर्स में पाई जाएगी। इट ऑलवेज इट इन्वॉल्व्स ऑल द एक्टिविटीज दैट असिस्ट इन रिमूवल ऑफ हैंडर्स, पीपल, प्लेस, टाइम, फाइनेंस, रिस्क, इन्फॉर्मेशन फेस ड्यूरिंग द, मतलब जो भी प्रॉब्लम आएगी वो सारी की सारी सोल्यूशन कौन करेगा, कॉमर्स करेगा। तो दो टाइप्स की एक्टिविटीज की जाती है, ट्रेड और एक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज ट्रेड, इट इज इसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का इसेंशियल पार्ट है, क्या है, ट्रेड। एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेटिंग फॉर द परचेज ऑफ एंड सेल ऑफ गुड्स, जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, एक्टिविटीज की जाती है, एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट, जो हेल्प करती है किसमें, परचेज और सेल ऑफ गुड्स में, उसको बोला जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्लियर है बात। अब बात आते हैं कि ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या है, खरीदना और बेचना क्या सर्विसेज को, विद एम ऑफ प्रॉफिट, टर्म एज द ट्रेड। अब बात आती है कि ट्रेड कितने टाइप्स के होते हैं, तो ट्रेड होते हैं एक होम ट्रेड और एक होता है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड क्या होता है कि खरीदना और बेचना विद एक ही कंट्री के, मतलब इंडिया में ही बन रहा है, इंडिया में खरीद रहे, इंडिया में बेच रहे, तो वो होम ट्रेड है, लेकिन इंडिया में बन रहा है, दूसरे देश में बेच रहे, तो वो क्या कहलाएगा, फॉरेन ट्रेड कहलाएगा। लोकल ट्रेड मतलब कि एक लोकल एरिया में, मतलब दिल्ली में सामान बन रहा है और दिल्ली में बेचा जा रहा है, तो वो लोकल एरिया, स्टेट में मतलब दिल्ली का, विद इन इन ए स्टेट मतलब लोकल एरिया, दिल्ली में मतलब कि एक एरिया ले लिया आपने, जैसे कि ले लिया चांदनी चौक, चांदनी चौक में ही खरीदा बेचा जा रहा है, तो वो कहलाएगा लोकल एरिया, और पूरी दिल्ली के अंदर खरीदा बेचा जा रहा है तो स्टेट ट्रेड। नेशनल ट्रेड मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान को खरीदा बेचा जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, स्टेट ट्रेड। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट करना मतलब दूसरे देश से हमारा सामान खरीदना, तो क्या कहलाएगा, इम्पोर्ट, दूसरे देश को सामान बेचना, एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू एक्सपोर्ट टू थर्ड, मतलब कि एक कंट्री से अमेरिका से हमने सामान मंगाया और किसको भेज दिया, मंगा करके हमने किसको भेज दिया, पाकिस्तान को भेज दिया, तो वो कहलाएगा इंटरपोर्ट ट्रेड। क्लियर है बात। अब बात आ रही है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में कौन कौन से शामिल होते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब कि जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी सामान को इधर से उधर ले जाने में, कम्युनिकेशन करने में, तो वो सब काम किसका है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का। बैंकिंग एंड फाइनेंस, किसी को पैसे की जरूरत है तो वो सब काम कौन कराएगी, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इंश्योरेंस करवाना, वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करवाना, एडवर्टाइजमेंट करवाना और मिडल मैन, ये सब कौन काम करवाता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की क्या है, सर्विसेज है। बात है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट स्टैंड, मतलब मार्केट खड़ा करना, इनोवेशन करना, नए नए प्रोडक्ट लेकर करना, प्रोडक्टिविटी करना, प्रॉफिट कमाना, फिजिकल एंड फाइनेंस रिसोर्स करना, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना। बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क हमें पता है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा, जितना ज्यादा बड़ा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट, तो इसमें बोला रिस्क कॉज ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस रिजल्ट्स, अनसर्टेनिटी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जो हमें लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क कितने कौन कौन से हो सकते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस में रिस्क इज इसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का एक इसेंशियल पार्ट है, कौन है, रिस्क है। इट कैन बी रिड्यूस बट नॉट एलिमिनेटेड, इसको कम किया जा सकता लेकिन बिल्कुल घटाया नहीं जा सकता। इट अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी लाइक नेचुरल क्लाइमेटीज, अर्थक्वेक, फ्लड्स, विच आर अनअवॉइडेबल, भाई इनको तो हम हटा ही नहीं सकते। द एक्सटेंट ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज, कितना बड़ा बिजनेस उसके ऊपर डिपेंड करता है। नो रिस्क नो गेन, अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे, आप डरोगे कि मैं पेपर में पास होऊंगा या फेल होऊंगा, तो इसका मतलब आप एग्जाम देने नहीं जाओगे, तो इसका मतलब क्या गारंटी कि आप पास होगे, भाई आप एग्जाम दे करके जाओ, क्या पता तुक्का लग जाए और आप इंटरव्यू के लिए क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, तो इसका मतलब कि नो रिस्क नो प्रॉफिट। हैंस द प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग, जो प्रॉफिट है वो क्या है, रिस्क जो लेगा उसको प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्योजिज ऑफ बिजनेस, बिजनेस में रिस्क होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, नेचुरल क्योजिज भी हो सकते हैं, ह्यूमन भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं और अदर क्योजिज, मतलब कि नेचुरल आंधी तूफान भी आ गया, किसी एम्प्लॉय ने चोरी कर दी, इकोनॉमिक हो गया, मतलब पॉलिसीज वगैरह चेंज हो गई, ये सब क्या है, क्योजिज है बिजनेस रिस्क के। फैक्ट
फैक्टर स्टार्टिंग ए बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करने के कौन कौन से फैक्टर है। तो सबसे पहले सिलेक्शन टाइप, किस टाइप का बिजनेस करोगे, छोटा करोगे बड़ा करोगे, कहाँ पे करोगे, पहले किस नेचर का बिजनेस करोगे, किस टाइप का बिजनेस करोगे, छोटा करोगे बड़ा करोगे, कहाँ पे करोगे, फाइनेंस कहाँ से लोगे, फिजिकल फैसिलिटी क्या होगी कंपोनेंट में, और कमिटमेंट वर्कफोर्स कौन सा होगा, टैक्स प्लानिंग होगा, लॉन्च इंटरप्राइजेस, और उसके बाद आप बिजनेस को खोलोगे। एक इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी में आप देखोगे पेज नंबर 10 पे 11th क्लास की बुक में 1952 दिया है, लेकिन नेट पे आपको मिलेगा इसको 1951 में। तो इसमें अभी कंफ्यूजन है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो हम 1952 मानेंगे, लेकिन अब वो आप देख लीजिएगा उसमें क्या आंसर आता है। अगर 1952 आता है तो 1952 की कोशिश करिएगा, आंसर मिले तो उसमें टिक करने की। नेक्स्ट आता है हमारा, एक इसमें आता है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ था, 2014 में। स्किल इन इंडिया कब शुरू हुआ था, 2014 में, 2015 में। एक हुआ था डिजिटल इंडिया, वो भी कब शुरू हुआ था, 2015 में। ये स्टार्ट किए गए थे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 टू 20 के अकॉर्डिंग, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2015 टू 20 के अकॉर्डिंग। क्लियर है बात। तो ये तो था हमारा किसका, और ये दूसरी बात जो मेक इन इंडिया था वो कब स्टार्ट किया गया था, स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर को, याद कर लेना, पूछा भी जा सकता है कब स्टार्ट किया था, 2014 में तो किया था, लेकिन किस डेट को, 25 सितंबर को स्टार्ट किया था, और इसके अंतर्गत 25 सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया था। कितने सेक्टर्स को, 25 सेक्टर्स को क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था फॉर जॉब क्रिएशन एंड स्किल एनहेंसमेंट के लिए। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोला है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन है, सोल प्रोप्रेटरशिप है, ज्वाइंट इन टू फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो मतलब कि 5 टाइप्स के हम क्या है, बिजनेस है जो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है हमारी क्या, सोल प्रोप्रेटरशिप क्या होता है। सोल प्रोप्रेटरशिप, सोल प्रोप्रेटरशिप क्या है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड मैनेज कंट्रोल बाई द इंडिविजुअल, के द्वारा ही सब कुछ काम किया जाता है। तो फीचर्स इसका क्या है, फॉर्मेशन इजी है, क्लोजर भी, मतलब जब मन किया तब बंद कर दिया, जब मन किया तब खोल लिया, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, सोल रिस्क बियरर है, प्रॉफिट मतलब जितना ज्यादा रिस्क लेगा प्रॉफिट भी सारा का सारा अपना होगा, कंट्रोल मतलब खुद ही कंट्रोल कर सकता है, नो सेपरेट एंटिटी, मतलब बिजनेस ओनर दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही आदमी है, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, अगर ओनर मर गया तो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सोल, इसका क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं सोल प्रोप्रेटरशिप का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका है कोको कोला। कोको कोला और इसके फाउंडर थे कौन, कैंडलर। कौन थे, कैंडलर थे, और कब स्टार्ट किया गया था, 1892 में किया गया था। तो ये याद रख लेना आप हो सके तो, कौन थी कंपनी का नाम याद रख लेना, जनरली ये पूछा नहीं जाएगा फाउंडर कौन था, लेकिन 1892 में कौन था, कोको कोला था। मेरिट्स क्या है, क्विक डिसीजन, क्योंकि एक ओनर है तो अपने आप ही उसको डिसीजन लेना, कॉन्फिडेंशियली ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक ही आदमी बिजनेस को चला रहा है तो सारी इन्फॉर्मेशन उसी के पास होगी। डायरेक्ट इंसेंटिव, भाई अगर लॉस भी होगा तो वो भी उसी का ही, फायदा भी होगा तो वो भी उसी का। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, तो सक्सेसफुल बिजनेस प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन ओनर एंड सेंस अचीवमेंट, मतलब कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा अपने बिजनेस की ग्रोथ की। इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ये हमारी क्या है, मेरिट से, क्योंकि कोई फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, जब मन करेगा जब खोल देगा, जब बंद करेगा जब कर देगा। बात आती है नेक्स्ट हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड, लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है भाई, उसके पास कैपिटल लिमिटेड होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, भाई पार्टनर मर गया, पार्टनर कह रहा हूँ, ओनर मर गया तो बिजनेस बंद कर दिया जाएगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, अगर उसके पास लाइबिलिटी ज्यादा हो गई तो सब कुछ बेचना भी पड़ सकता है उसको, अपना घर परिवार का जो भी सामान है वो भी बेचना पड़ सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेजरियबल एबिलिटी है, वन पर्सन मे नॉट पोजेस एबल टू मैनेज ऑल द फंक्शन, हर काम एक ही आदमी नहीं कर सकता। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारा है ज्वाइंट इन टू फैमिली बिजनेस, तो इसका सबसे पहले आएगा, याद रख लेना, ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस का स्टार्टअप किया जाता है किस किस अकॉर्डिंग, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। ऐसे याद नहीं तो कंपनी एक्ट 1956 आया था तो उसके बिहा पे आप याद रख लेना, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग क्या ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस का क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड एंड मैनेज बाई द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, घर के ही मेंबर उस बिजनेस को चलाएंगे, और विद इन पॉसिबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसिव जनरेशन आर एज द मेंबर्स इन द बिजनेस। जनरली इसमें कितने, 3 पीढ़ियों के मेंबर्स भी इसमें शामिल रहते हैं, तो इसको बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फॉर्मेशन कब किया जाता है, हिंदू एंड फैमिली बिजनेस फॉर्म एटलीस्ट, कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए विद, और उनकी प्रॉपर
प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब पुराने मतलब दादा परदादा की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इट इज गॉन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है। लाइबिलिटी ऑल द मेंबर्स की क्या होती है, लिमिटेड होती है केवल कर्ता को छोड़ करके। कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में रहती है, कर्ता। कंटिन्यूटी रहती है क्योंकि कोई भी आदमी बड़ा आदमी मर गया तो जो उससे बड़ा आदमी होगा वो क्या बन जाएगा, उसका क्या बन जाएगा, उसका हेड बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा। माइनर, माइनर का भी क्या जन्म से लेते ही इसका क्या बन जाता है, पार्टनर बन जाता है। इफेक्टिव कंट्रोल है क्योंकि घर के लोग हैं तो कंट्रोल भी क्या है, खुद ही है। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस है, कोई भी कर्ता बनते ही नेक्स्ट एल्डर जो आदमी होगा वो क्या बन जाएगा, इसका मेंबर बन जाएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, भाई घर के आदमी है तो, घर के आदमी है तो इसका मतलब, कहने का मतलब घर में ही बात रहेगी। और दूसरा, इसमें जो मैरिड डॉटर है उसका भी इक्वल राइट है किस पे, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। मैरिड डॉटर का भी इक्वल राइट है किस पे, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर भी। क्लियर है बात। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। घर के हैं तो घर की प्रॉपर्टी को यूज किया जा सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, भाई करता ही सब कुछ बियर करेगा जो भी अगर लॉस हो गया तो। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, डिफरेंस इन ओम अपोनियन ओपिनियन अमंग्स द मेंबर एंड कर्ता में कॉन्फ्लिक्ट, भाई कर्ता बोलता है ये काम करो, बाकी मेंबर बोलेंगे नहीं करेंगे, तो इसके मतलब लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स है, जरूर थोड़ी ये कि परिवार में सारे बुद्धिमान, मतलब सारे को वही काम करना आता, नहीं करना आता होगा तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स है। नेक्स्ट हमारा आता है पार्टनरशिप। नेक्स्ट हमारा क्या है, पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप इन 1932, पार्टनरशिप इज रिलेशन, रिलेशन है बिटवीन टू, दो और दो से ज्यादा आदमियों के बीच में, जो कि प्रॉफिट बांटेगा और बिजनेस चलाएगा, या तो सभी सभी या तो उनके बिहाफ पे एक आदमी बिजनेस चलाएगा, मतलब एक पार्टनर। फॉर्मेशन किया जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, रिस्क बियरिंग है, शेयर बाय ऑल द डिसीजन एंड कंट्रोल कौन लेगा, सारे के सारे पार्टनर। कंटिन्यूटी है क्योंकि कंटिन्यूटी डिपेंड्स अपॉन द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, छोटे टाइम के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए। नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, मैक्सिमम 50 है, एज पर किसके, कंपनी एक्ट 2013 में रूल आया है, कब 2014 में, उसके अकॉर्डिंग। अगर 2013 में पूछा जाए तो कितना है, 100, लेकिन 2014 में पूछा जाए तो 50। इस पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहेगी और आप लोग क्या करोगे, इसको पक्का ना पक्का गलत करोगे। 2014 का पूछा जाए तो 50, और 2013 का पूछा जाए अकॉर्डिंग टू 2013 तो कितने, 100। क्लियर है बात। म्यूचुअल एजेंसीज है, इज पार्टनर ओनर एज वेल एज एजेंट भी है फर्म के, और अदर्स एजेंट्स के है फर्म के लिए भी और पार्टनर्स के लिए भी। मैरिट है इजी इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करना जरूरी नहीं होता। बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है, सारे पार्टनर्स मिलकर के डिसीजन लेते हैं। मोर फंड, ज्यादा से ज्यादा पार्टनर आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा फंड लेके आएंगे। शेयरिंग ऑफ रिस्क, जो बिजनेस रिस्क है रेस्पॉन्सिबिलिटी अब सारे के सारे पार्टनर बांटेंगे। सीक्रेसी है क्योंकि इट मेंटेन सीक्रेसी बिजनेस बिकॉज देर इज नो नीड टू सबमिट फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब उनको अपने फाइनेंशियल अकाउंट किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती किसको, पार्टनरशिप में। नेक्स्ट है लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड रिसोर्सेज है, पॉसिबिलिटी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कोई पार्टनर मर गया तो डेथ हो गया तो बिजनेस बंद भी हो सकता है। लैक ऑफ ए पब्लिक कॉन्फिडेंस, मतलब कोई इट इज डिफिकल्ट टू आउटसाइडर टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन, देर इज अ लैक अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब बात आते हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टनर कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर कितने टाइप के होते हैं, तो 6 टाइप्स के होते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है पार्टनर्स के टाइप्स है कितने टाइप्स के होते हैं, तो 6 टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। तो एक्टिव पार्टनर, एक्टिव है मतलब ये हर जगह भागम भाग रहेगा, तो इसका मतलब पार्टिसिपेट भी करेगा, प्रॉफिट और लॉस भी बांटेगा। स्लीपिंग एंड नॉर्मल, भाई आलसी पार्टनर है, कैपिटल भी देगा, प्रॉफिट लॉस भी बांटेगा, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड, लेकिन बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सीक्रेट, खुफिया पार्टनर है, पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में सीक्रेटली, बट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं बांटेगा। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है कि अपना नाम देता है, डू डोंट सेट प्रॉफिट एंड लॉस बट अलाउ पार्टनरशिप बिजनेस टू प्रोजेक्ट हर नेम, मतलब प्रॉफिट और लॉस को नहीं बांटेगा, कैपिटल भी नहीं लेगा, केवल नाम देगा। पार्टनर बाय स्टोपल एक इंडिविजुअल है हु इज नॉट पार्टनर, पार्टनर नहीं है बट प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज ए पार्टनर, उसको दिखाता है दूसरों लोगों को दिखाएगा कि वो क्या है, उसका भी पार्टनर है, और उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज नॉट ए पार्टनर बट इज प्रोजेक्टेड एज ए पार्टनर बाय अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर के ऐसे दिखाते हैं कि ये भी हमारे इस बिजनेस का पार्टनर है, वो भी पार्टनरशिप है, और उसकी लाइबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड रहती है। एक तो खुद से बताता है और एक दूसरे, मतलब ये दो आदमी, तो ये खुद से बता रहा है कि मैं इस फर्म का क्या हूं, ऐसा बिहेव करेगा कि मैं इस फर्म का क्या हूं, पार्टनर है। लेकिन अब दो आदमी बैठे हैं तो दूसरे के साथ वो बैठा है, तो वो बताता है कि ये भी एक तरीके के हमारे बिजनेस का क्या है, पार्टनर है।
एक्टिव पार्टनर में कैपिटल लगाई जाती है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट और लॉस बांटेगा, लाइबिलिटी लाइबिलिटी सबकी अनलिमिटेड है। लाइबिलिटी का तो पॉइंट छोड़ ही देना कि सबकी अनलिमिटेड है। कैपिटल तीन आदमी लगाएंगे, केवल एक्टिव स्लीपिंग सीक्रेट, बाकी के कोई भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। मैनेजमेंट में भी कौन नहीं करेगा, स्लीपिंग नहीं करेगा, सीक्रेट वाला करेगा और एक्टिव पार्टनर करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। उसके बाद प्रॉफिट लॉस सारे बांटेंगे, केवल दो को छोड़ करके, कौन, स्टॉपल और होल्डिंग आउट। नेक्स्ट है, अगला पूछा है, माइनर एज ए पार्टनर एंड इंडिविजुअल बिलो एज 18 ईयर कैन बी एडमिटेड एज ए म्यूचुअल कंसर्न। सारे के सारे पार्टनर क्या बोलेंगे तभी वो पार्टनर बन सकता है, टाइप्स ऑफ पार्टनर, और लेकिन वो किसके लिए बनेगा, केवल बेनिफिट के लिए बनेगा। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है, पार्टनरशिप एट वेल पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनर मतलब अपनी इच्छा के अनुसार वो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एट विल, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक स्पेशल टास्क के लिए पार्टनरशिप बनाई, उसके बाद अगर वो काम खत्म तो वो पार्टनरशिप भी बंद। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेसिस पर जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल में पार्टनरशिप विल ऑल पार्टनर हैव द अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन लिमिटेड में एक पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, और बाकी की सबकी क्या होगी, लिमिटेड होगी। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है, नेम्स ऑफ फर्म, नेम्स ऑफ नेचर ऑफ फर्म, ड्यूरेशन, ड्यूटीज, वैल्यूएशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट शेयर, सैलरी, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मेथड्स। तो रजिस्ट्रेशन इट इज ऑप्शनल, जरूरी नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन कराए, ऑप्शनल है, वो करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, तो इसके कारण क्या होगा, पार्टनर्स कोई केस नहीं कर सकता, लेकिन पार्टनर्स पर केस कर सकता है, फर्म भी कोई केस नहीं कर सकती थर्ड पार्टी के ऊपर, द फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट द वन और मोर पार्टनर, पार्टनर्स के भी यहाँ पे भी पार्टनर्स के लिए भी केस नहीं कर सकती फर्म। प्रोसीजर ऑफ गेटिंग फर्म रजिस्ट्रेशन, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म इन रजिस्टर्ड ऑफ द फर्म, डिपॉजिट करेंगे फीस, सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब बात आती थी कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वन शेयर वन वोट का क्वेश्चन हमेशा जनरली पूछा जाता है, तो उम्मीद है अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है वॉलेंटरी पीपल्स की, वर्क कॉमन पर्पज, कॉमन पर्पज के लिए क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया, प्रोटेक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, रजिस्टर करवाना क्या है, कंपलसरी है, रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव, सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग, 1912 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, कंपलसरी है। वॉलेंटरी मेंबरशिप है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि हमारे मेंबर बनोगे, लीगल स्टेटस है उसका, लिमिटेड लाइबिलिटी, जितना शेयर का जितनी कैपिटल उसने लगाई उतनी लाइबिलिटी है। कंट्रोलिंग है सारे, ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर हैंड हैंड किसके हाथों में रहती है, इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी का, जो कौन चूज करते हैं, मेंबर चूज करते हैं वन मैन वन वोट के बिहाफ पे। सर्विस मोटिव है उनका, काम क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, सर्विस देना है। मेरिट्स क्या है, इक्वली इक्वलिटी इन वोटिंग राइट, आदमी कितना ही पैसा लगा, एक आदमी है तो एक ही वोट देगा। लिमिटेड लाइबिलिटी है, स्टेबल एग्जिस्टेंस है, कोई आए कोई जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक एंड ऑपरेशन है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, इजी ऑफ फॉर्मेशन है। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्योंकि ज्यादा मेंबर नहीं होते, ज्यादा मेंबर नहीं होते तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल भी कम होते। इन एफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, मेंबर्स वर्किंग वॉलेंट्री बेसिस, तो इसका मतलब मन लगा कर काम करेंगे या उनके पास स्किल है या नहीं है तो कोई भी मेंबर बन जाता है, तो इन एफिशियंसी है। लैक ऑफ सीक्रेसी है, गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है, डिफरेंस इन ओपिनियन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने टाइप्स की होती है, होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने टाइप्स की होती है, छह टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए बनाई जाती है, प्रोवाइडिंग फूड एंड क्वालिटी सर्विसेज प्रोडक्ट एट रीजनेबल रेट पे, प्रोडक्शन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड क्वालिटी लो प्राइस रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग मतलब प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू मार्केटिंग प्रोडक्ट्स के लिए, मार्केटिंग सोसाइटी। फार्मर्स को हेल्प करने के लिए फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, उधार पैसे दिलाने के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, घर का कंस्ट्रक्शन बनवाने के लिए क्या बन गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब बात आती है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, एक मिनट रुकना भाई। अब आगे बात चलती है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन करती है कि कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट पर्सन है, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, क्रीपी चोर सेक्शन है और कॉमर्सी। फीचर्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ओनर्स इसका शेयर होल्डर्स और ओनर्स जो है दोनों आपस में अलग अलग, फॉर्मेशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, प्रीपिचुअल सक्सेशन है।
कोई आओ कोई जाए, बिजनेस कंपनी हमेशा चलती रहेगी। कंट्रोल कौन करता है? मैनेज एंड कंट्रोल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लाइबिलिटी कैसे होती है? लिमिटेड, जितनी शेयर है का वैल्यू है उतने तक उसकी लाइबिलिटी। कॉमन सेंस मतलब सिग्नेचर होना चाहिए, कॉमन सेंस से याद रखना, सिग्नेचर सिग्नेचर है उसका, ऑफिशियल सिग्नेचर होगा, रिस्क बियरिंग है। नेक्स्ट हमारा मैरिट क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्यों है? जितना शेयर है उतने तक ही उसको लाइबिलिटी देगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, शेयर को हम इजीली सोल्ड कर सकते हैं। प्रीपिचुअल एग्जिस्टेंस है, बिजनेस चलता रहेगा। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन मतलब बिजनेस को बढ़ाने का, मतलब कंपनी बढ़ा भी सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, लार्ज स्केल पर ऑपरेशन किया जाता है तो मैनेजमेंट रिक्वायर्ड प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स। लिमिटेशन है कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है बिजनेस कंपनी को बनाने में। लैक ऑफ सीक्रेसी मतलब बहुत सारे इसके क्या होते हैं, जनरल पब्लिक है तो देयर इज नो कॉन्फिडेंस और सीक्रेसी। इंपर्सनल वर्क इन्वायरमेंट है, नंबरस रेगुलेशन है, डिले इन डिसीजन मेकिंग सभी से पूछना पड़ता है। ऑर्गेनिक मैनेजमेंट है, ऑर्गेनिक मैनेजमेंट का मतलब शेयर है वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर द रनिंग ऑफ द बिजनेस, दे डायरेक्टली टेक ऑल डिसीजन व्हिच मे टाइम्स गेट इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनल इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट है। बात आ गई टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और एक होती है 1% कंपनी भी आ गई है। कौन सी है? 1% कंपनी भी। आप बात आते हैं कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है? कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 200 मेंबर हो सकते हैं। ट्रांसफर नहीं होगा क्या? शेयर्स फंड कैन नॉट बी जनरेटेड थ्रू पब्लिक से नहीं होगा। और लास्ट में क्या चीज लगाना जरूरी है? प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी है कंपनी का। पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने होंगे? 7 और मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है। ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर, इशू शेयर टू जनरल पब्लिक, यूज पब्लिक लिमिटेड, उसके क्या प्राइवेट और इसके क्या लगाएगा पब्लिक लिमिटेड। मिनिमम अब देखो डिफरेंसेस देख लेते हैं। पब्लिक कंपनी का मिनिमम 7, कम से कम 2, अनलिमिटेड 200। 3 डायरेक्टर होंगे, 2 डायरेक्टर होंगे। कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन कैन नॉट, कैन ट्रांसफर कैन नॉट, कंपलसरी है नॉट कंपलसरी। इंडेक्स बनाने कंपलसरी है जिसके लिए, पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए क्या है कंपलसरी नहीं है इंडेक्स। टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, रूल्स एंड इजी सेटअप, कितनी लागत आएगी, कितना क्या होगा उसके बिहार पे, लाइबिलिटी कितनी होगी, कंटिन्यूटी हमें कैसे रखनी, ज्यादा टाइम तक चलाना है, ज्यादा टाइम तक चलाना है, मैनेजमेंट एबिलिटी है, कैपिटल कंसिड्रेशन है कि कैपिटल कितना होगा, डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना है, लोगों के हाथों में कंट्रोल होना चाहिए, किस टाइप का बिजनेस होगा, ट्रेडिंग होगा, सर्विस का होगा, शॉर्ट अप्रेंटिसशिप का होगा, ये सब हम क्या करते हैं डिसाइड करते हैं। क्लियर है बात? तो ये था हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और एक बात याद रखना कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, वो बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, लेकिन याद रख लेना सेक्शन 2 और 20, 2 सेक्शन सब सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग वो बनाई फॉर्मेशन किया जाता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट हमारा चलता है प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल इंटरप्राइजेस, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल इंटरप्राइजेस। इसमें हम देखते हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है अपने आप में, तो अपने आप में भी बड़ा है तो इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और इसका सबसे पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसमें ये याद करने का, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया था? 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन कब आया था? 1948 में। सबसे मेन पॉइंट है इसी का मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का है, तो उसमें आया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन। रेजुलेशन पूछा है इसमें कब आया था? 1948 में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज मेड अप बोथ प्राइवेटली हेल्ड एंड गवर्नमेंट ओन बिजनेस है, इंडिविजुअल्स ग्रुप्स इंडिविजुअल्स ओन बिजनेसेस इन प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट ओज मैनेजेस वेरी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर है, फेडरल स्टेट गवर्नमेंट में ओन दीज ऑर्गेनाइजेशन पार्ट, मतलब पूरा का पूरा गवर्नमेंट ले सकते हैं या कुछ हिस्सा उसमें गवर्नमेंट का भी होता है। दे कुड बी पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री का पार्ट होता है और क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट स्पेसिफिक एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड अप्रोचेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1948 और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956 ऑल्सो सेट फोर्थ सम गोल ऑफ
फॉर पब्लिक सेक्टर टू अचीव इन ऑर्डर स्पीड अप द रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन कब आया था? 1948 में, उसके बाद आ गया 1956 में भी आ गया। इन 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, वाज ड्रामेटिकली अपोज द ऑल द प्रीवियस स्ट्रेटजी, जो जितनी भी पुरानी थी सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। विच द गवर्नमेंट कंसिडर डिस इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टिंग द पब्लिक सेक्टर एंड गिविंग द प्राइवेट सेक्टर मोर इंडिपेंडेंस, मतलब पब्लिक को कम कर दिया और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा आजादी दी। एट द सेम टाइम कंपनीज फ्रॉम आउटसाइड वर वेलकम टू द इन्वेस्ट, बाहर से कंपनी को वेलकम किया गया। इन इंडिया इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स प्राइवेट सेक्टर फर्म्स एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को एग्जिस्टेड। अब बात आते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर में पहला आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी होती है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। और प्राइवेट में कौन होती है? सोल प्रोप्रेटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट इंटर फैमिली कोऑपरेटिव, मल्टीनेशनल कोऑपरेटिव, कॉर्पोरेशन और कंपनी, जो पब्लिक और प्राइवेट है। जितनी भी हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है वो सारी की सारी किसमें आ जाएगी, एक तरीके के सिंपल भाषा में याद रखना है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अब बात आती है कि डिपार्टमेंटल और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है। दीज बिजनेस आर सेटअप अंडर द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो स्टैब्लिश की जाती है किसके अकॉर्डिंग? मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। और एक्सटेंशन और पार्ट है किसका? मिनिस्ट्री का। दे ऑपरेट थ्रू गवर्नमेंट पर्सनल, पर्सनल गवर्नमेंट पर्सनल क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। और इनके इंप्लॉइज को क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट इंप्लॉइज बोला जाता है। दे एंडेवर्स में गवर्नमेंट बाय फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट और रूल्स ऑफ फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के अप्लाई किए जाते हैं। तो कौन कौन सी इसमें? रेलवे है, पोस्ट पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, और टू एग्जांपल्स ऑफ दिस बिजनेस, और इसके एग्जांपल दिए गए हैं। फीचर फीचर क्या है? दिस एंटरप्राइजेस फंडेड डायरेक्टली, किससे मिलता है इनको? गवर्नमेंट से मिलता है। और सब्जेक्ट टू द अकाउंटिंग ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज। एम्प्लॉइज ऑफ एंटरप्राइजेस आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, और उनका रिक्रूटमेंट वर्किंग कंडीशन किसमें? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के तौर पर किया जाता है। इट इज मेजरली सब डिविजन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री। इनका डायरेक्ट कंट्रोल किससे होता है? मिनिस्ट्री से होता है। मेरिट्स क्या क्या है? एंश्योर दैट पार्लियामेंट हैज इफेक्टिव कंट्रोल। क्या है? पार्लियामेंट के पास इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ देयर ऑपरेशन। हाई डिग्री पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है। रिवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइजेस गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी, किसके में? गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं। व्हेन इट कम्स नेशनल सिक्योरिटीज, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज अंडर द डायरेक्ट अथॉरिटी सुपरवाइजन ऑफ द रिलेटिव मिनिस्ट्री। नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी वो बहुत अच्छा है, क्योंकि डायरेक्टली किसके कंट्रोल में होते हैं? मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होते हैं। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या है इसके? देखिएगा, नो फ्लेक्सिबिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो ऊपर से काम वाले काम करना पड़ेगा, मतलब अपने मन से कोई भी डिसीजन हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट है, एम्प्लॉइज और हेड डिपार्टमेंट ऑफ सच अंडरटेकिंग आर द नॉट अलाउड टू इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते। ब्यूरोक्रेट्स ओनली क्यूजंस एंड कंजर्वेटिव अप्रूवल प्रिवेंट्स देम फ्रॉम एम्बार्किंग। नो एक्शन टेकन अंटिल द राइट्स ऑफ चैनल अथॉरिटी, पहले आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर कोई परमिशन लेनी है तो उसके ऊपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। देर आर लॉट ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रहता है। कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट आर जनरली इग्नोर्ड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन विच आर नॉट टू डिलीवर एक्सेप्टेबल सर्विसेज। जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है उनको जनरली क्या कर दिया जाएगा, कंज्यूमर्स को एज ए नेग्लेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जो अपना केवीएस है वो एक तरीके का स्टेट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट सेंटर स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन विच आर पब्लिक इंटरप्राइजेज है। तो पब्लिक इंटरप्राइजेज, लेकिन इनका एस्टैब्लिशमेंट किया गया स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग। द एक्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग ऑफ पावर फंक्शन एज वेल एज द रूल्स रेगुलेशन आर गवर्न इट्स पर्सनली एंड इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट एजेंसी। खुद के पास इनके पास क्या है? रूल्स एंड पावर, सब कुछ खुद को ही दे रखे हैं। दीज आर दे हैव गवर्नमेंट पावर्स एज वेल एज द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट फीचर्स क्या है इसका? दे आर सेट अप अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट एक्ट आर गवर्न बाय द प्रोविजन एक्ट। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होली ओन्ड बाय द स्टेट में गवर्नमेंट हैज अल्टीमेटली फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज द पावर अप्रोप्रिएशन इज प्रॉफिट। इट इज लीगल एंटिटी अथॉरिटी टू शूज एंड शूट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। वो अपने नाम से केस कर सकती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वो एग्रीमेंट कर सकती है। दे ऑब्टेन बोरो फंड बाय बोरिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक से भी ले सकते हैं। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉइज आर द गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ एक्ट्स इल्सेट उसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग में एम्प्लॉइज क्या करते हैं? काम करते हैं।
नेक्स्ट हमारा मैरिज मैरिज क्या कहे इसी, दे आर इंजॉयबल, दे आर इंजॉयबल इंडिपेंडेंस, बोले अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंस है, तो अपने आप कंट्रोलिंग पावर है, डिसीजन लेने की पावर है। दे गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर, गवर्नमेंट डज इंटरफेयर नहीं करती फाइनेंशियल मैटर में, और इनकम कंडीशन, कितना पैसा है, कितना पैसा गया, कितनी इनकम है, इसमें इंटरफेयर नहीं करती कौन, गवर्नमेंट। विद इन द पावर ग्रांटेड बाय हिम द लीगलाइजेशन, दे क्रिएट देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, वो खुद अपने पॉलिसी बनाते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं। इट इज वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो अपना केवीएस है, केवीएस के अपने रूल्स रेगुलेशन है, सब काम कौन, केवीएस अपने आप ही करता है। लिमिटेशन क्या है, एवरी एक्शन इज गॉन बाई ए सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन, मतलब सारे भी काम किए जाएंगे रूल्स और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। इट इज अ बिग चॉइस ऑफ विद लार्ज सम ऑफ मनी आर इन्वॉल्व, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिशियन इंटरवेंशन हैज ऑलवेज बीन प्रेजेंट। कहने के लिए तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन फिर भी इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता ही है। करप्शन बहुत ज्यादा है एवरीवेयर इन पब्लिक। अपॉइंटमेंट एडवाइजरी ऑफ टू द कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द कॉर्पोरेशन एबिलिटी एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक अदर डिसीजन। अगला आता है गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 245 कंपनी एक्ट 2013 विच हैज द वन विच हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पार्शियली, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्शियली, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के होल कितने शेयर होने चाहिए किसी कंपनी के, 51% किसके, पेड अप कैपिटल के, पेड अप कैपिटल के 50% होल्ड किसके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास, तभी वो कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। सर्टेन रिस्ट्रिक्शन अप्लाई अपॉइंटमेंट रिटायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑन सीनियर मैनेजमेंट, द कंपनी शेयर्स आर परचेज इन द सेम टाइम इन द नेम ऑफ, किसके नाम से खरीदा जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से, इंडिया प्रेसिडेंट के नाम से खरीदे जाते हैं उसके शेयर। गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन आर रेफर टू एज सच हियर द गवर्नमेंट मेजॉरिटी स्टेक्स हैज अथॉरिटी ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बिजनेस। नेक्स्ट हमारा फीचर्स क्या है, द कंपनी फॉर्म अंडर किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है, 2013 के अकॉर्डिंग, एनी थर्ड पर्सन कैन सू फर्म इन कोर्ट और लॉ, द कंपनी कैन बी, कंपनी भी क्या कर सकती है, केस कर सकती है। एक कॉर्पोरेशन कैन एंगेज इन टू कॉन्ट्रैक्ट और परचेज, खरीद सकती है, बेच सकती है क्या, प्रॉपर्टीज को। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनी के अकॉर्डिंग, द फर्म्स मैनेजमेंट इज ग्रोथ इज गवर्न बाय द रेगुलेशन ऑफ द कंपनी एज वेल एज लाइक पब्लिक अदर पब्लिक लिमिटेड। एम्प्लॉइज आर हायर्ड अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, जो इस पर काम करते हैं वो हायर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे। दीज बिजनेस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग नॉर्म्स रेगुलेशन, ये बिजनेस एग्जेम्प्ट है किससे, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से। इन द शोरूम द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट ऑडिटर, कौन अपॉइंट करता है इसमें गवर्नमेंट कंपनीज में, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट ऑडिटर, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है जिसमें गवर्नमेंट कंपनी में, यह याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। द मनी ऑफ गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डर से। अब मैरिज क्या है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ये बनाई जाती है, पार्ट है जिसका गवर्नमेंट का, एज अ कंप्लीट ऑटोनोमी ऑल ओवर मैनेजमेंट चॉइस टेक मेजर्स बेस ऑफ साइंस, कंपनी कैन कंट्रोल द मार्केट एंड डिस्करेज अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस बाय सप्लाइंग सप्लाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्टॉक होल्डर्स आर इन सम एंटरप्राइजेस, कंपनी एक्ट रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, इट अवॉइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी गवर्नमेंट फंडेड एंटरप्राइजेस शुड हैव, द गवर्नमेंट इज इन चार्ज ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, द मेन पर्पस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज रजिस्टर्ड लाइक अदर कंपनी इज डिफेक्टेड। चेंज इन रोल रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के रोल में क्या चेंज है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ। इट प्रीक्वेस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एनी अदर कंट्री, इन एनी कंट्री विदाउट प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटी फ्यूल एनर्जी विद बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस कैन नॉट बी सस्टेन, ओनली गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी एबिलिटी टू कंप्लीट वास्ट सम्स ऑफ मनी कोऑर्डिनेट इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, किसका हुआ, रेल रोड सी ये सब का क्या हुआ, एक्सपेंशन मतलब डेवलपमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्या चेंज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। रीजनल बैलेंस, रीजनल बैलेंस में क्या हुआ है, गवर्नमेंट इज चार्ज इन एंश्योरिंग ऑल द रीजनल स्टेट्स डेवलप इन बैलेंस मैनर, सभी स्टेट्स जो भी पिछड़े इलाके थे सबका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ है। अटेंशन विल बी पेड टू द रीजन फॉर डिले एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज विल बी परपोजफुली एस्टैब्लिश। फोर बिग स्टील प्लांट, क्या चार बड़े स्टील प्लांट लगाए गए थे जहाँ पे अंडर डेवलप एरिया है उनको, ताकि उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, जॉब मिल सके, डेवलप एंकिलरी इंडस्ट्रीज का। इकोनॉमिक स्केल पे क्या होता है, बिकॉज लार्ज कंपनीज डीम डिमांड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट वाज फोर्स टू स्टेप इन टू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक स्केल। तो क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक पावर, नेचुरल गैस,
पेट्रोलियम टेलीफोन इंडस्ट्रीज आर रिक्वायर्ड लार्ज बेस ऑफ फंक्शनल इकोनॉमीज में व्हिच आर ओनली पॉसिबल विद द गवर्नमेंट रिसोर्सेज. गवर्नमेंट रिसोर्सेज को अफोर्डेबल में क्या है पॉसिबल है, गवर्नमेंट हेल्प करेंगे तभी वो पॉसिबल है. नेक्स्ट अदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. न्यू प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन should be willing to engage in heavy sector resulting wealth concentration on few hands. The public sector has an ability है जिसकी massive industries that demand significant. This prevents बचाते हैं किससे wealth economic power from being concentrated in private sector. Import substitution मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया है? Importing heavy industries, heavy machinery को क्या क्या import किया गया, which is necessary to robust industrial bias by challenging. As the public sector having ingenious firms were founded to end in substitution process. Several public sector enterprises STC MMTC have played a major role in increasing export. Export में ये सबसे ज़्यादा role किसने निभाया है? STC और MMTC ने. Clear about government policy towards public sector 1991 में जो आई थी उससे क्या effect पड़ा है? ज़्यादा बड़ा नहीं, अभी थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 6 पेज है. नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी हमारे 1991 में उससे टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर से 1991 द गवर्नमेंट इंप्लीमेंटिंग फोर इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन पब्लिक सेक्टर. कितने किए थे? चार इन इंडस्ट्रियल. 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 17 इंडस्ट्री वर रिजर्व पब्लिक सेक्टर. 1956 में कितने थे? 17 थे. एटॉमिक फाइनेंस कम्युनिकेशन माइनिंग रेलवे वर सोल्ड. इंडस्ट्री रिटेन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर इन 1991 ओनली थ्री. अब कितने बच गए 1991 में? एटॉमिक आर्मेंट्स रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन वर द रिजर्व सोल्डरी फॉर द पब्लिक सेक्टर इन 2001 में. केवल तीन बच गए 2001. द सेल ऑफ इक्विटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड जनरली पब्लिक इज रेफर टू दिस इन्वेस्टमेंट. ऑल द पब्लिक सेक्टर वर रेफर टू द बोर्ड. जितने भी पब्लिक सेक्टर थे जो रेफर किए गए बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रेगुलेशन फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन BIFR है सर, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो बिल्कुल बीमार थी सिक थी उनको रीबिल्ड करने के लिए किसका सहारा लिया गया? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन का क्या लिया गया? सहारा लिया गया या तो रिवाइवल के लिए रिहेबिलिट प्लान एज वेल एज मॉडलिंग ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट बंद करने के लिए उभारने के लिए. इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस विद द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम इन विच मैनेजमेंट आर गिवन मोर अथॉरिटी बाय द हेल्ड अकाउंटेबल. मतलब ज्यादा से ज्यादा उनको पावर दी गई जवाबदेही के कंपेयर में. पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वर गिवन एक्सप्लिसिट टारगेट ऑपरेशनल इकोनॉमिक ऑटोनॉमी टू मेक दोस टारगेट. ज्यादा से ज्यादा उनको टारगेट ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए. ग्लोबल एंटरप्राइज जब बात आती है ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती है? ग्लोबल एंटरप्राइजेस आर लार्ज इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट्स दैट एक्सटेंड देयर मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग ऑपरेशन अक्रॉस मल्टीपल नेशंस थ्रू द नेटवर्क सब्सिडरीज. किसके थ्रू? अक्रॉस मल्टीपल नेशंस थ्रू नेटवर्क सब्सिडरीज. मेजर ऑन फॉरेन एफिलिएटेड इज द अनदर नेम ऑफ ब्रांच ऑफ एमओएफए. मेजर ऑन फॉरेन एफिलिएटेड दे डोंट try to make most money from just one or two things instead they set up their branch. ye nahi ki ek jagah se do jagah se wo apne branches ko phaila rahe hain. because of their capital resources cutting edge technology goodwill they are in position to extend significant power of global enterprises. features kya hai? zyada se zyada capital ka requirement padta hai. they possess huge financial resources ability to raise funds different sources se. they can money from variety place. they sell stocks debentures bills dete hain. they can borrow money. पैसे उधार ले लेते हैं बैंक से. देख इंजॉय क्रेडिट इन कैपिटल मार्केट. मुझे इजीली क्रेडिट मीटिंग मिल जाती है किसको? कैपिटल मार्केट. फॉरेन कोलैबोरेशन. फॉरेन कोलैबोरेशन में क्या होता है? दे एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द इंडियन कंपनी फॉर सेलिंग द टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग आइटम. और दूसरी कंपनी के साथ मिलकर के काम करने के लिए तैयार होते हैं. दे वर्क विद बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के साथ भी वो क्या करते हैं? काम करते हैं. In most agreements, there are numerous restrictive terms related to technology transfer, pricing, dividend payments, foreign technologies, site oversight, so on. Collaboration with other countries have been resulting in creation of monopolies and concentration of power is few. Advanced technology. Advanced technology used की जाती है. The business have advanced technology काम करने के लिए की जाती है. They are capable to adhering worldwide quality and not specifically. So, भारत सामान भेजा जाता है या जो फॉरेन कंपनीज जो क्या बनाती है
फॉरेन कोलेबोरेशन करते हैं तो वो एक तरीके का अच्छे स्टैंडर्ड से क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं, अलग अलग मार्केट स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, मार्केट को कवर अप करने, दे आर मोर ट्रस्ट वर्दी अप टू डेट ऑफ मार्केट डेटाबेस, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू क्या चलते हैं, मार्केट सिचुएशन चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, मतलब वो अपने कहने का मतलब अपने ब्रांचेस को अपने ऑपरेशंस की एक्टिविटीज को लिमिट में नहीं रखना चाहते, वो दूसरे देश में भी क्या फैलाना चाहते हैं, सेंट्रलाइज कंट्रोल, उनका कंट्रोल पास होता है हेडक्वार्टर इन देयर होम नेशन, उनको कैसे कंट्रोल पास होता है होम हेडक्वार्टर है जो कि उनके होम कंट्रीज में होता है और उनके ब्रांचेज है अलग अलग कंट्रीज में। नेक्स्ट है ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर फॉर्म टू बिजनेस एग्रीज टू वर्क टूगेदर फॉर अ कॉमन गोल, दो बिजनेस मिल करके एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। द ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट मस्ट स्टिपुलेट ऑल द रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट परमिशन, ज्वाइंट वेंचर एग्रीड द मस्ट बी फाउंडेड ऑन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बाय बोथ पार्टी का क्या होना चाहिए, उस पर साइन होना चाहिए। एग्जाम्पल इसका ज्वाइंट वेंचर ऑफ ए वी आई ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ग्रीन गैस लिमिटेड एटसेट्रा, ज्वाइंट वेंचर टाइप कितने होते हैं, इक्विटी बेस कॉन्ट्रेक्चुअल बेस, इक्विटी बेस ज्वाइंट वेंचर क्या होते हैं, इक्विटी बेस दो टाइप के क्या होते हैं ज्वाइंट वेंचर, इक्विटी बेस और क्या कॉन्ट्रेक्चुअल। इक्विटी बेस में क्या होता है, इक्विटी ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट इन वन विच टू और मोर पार्टी एग्री टू कंस्ट्रक्ट डिस्टिंक्ट कंपनी दैट इज जॉइंटली ओन, मतलब दो कंपनी मिलकर के एक नई कंपनी बनाती है वो कहलाएगी इक्विटी ज्वाइंट बेस्ड ज्वाइंट वेंचर, और कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर क्या, दिस इज सिंपली कमिटमेंट ऑफ कोलैबोरेशन, मतलब वर्बली बात करके काम चलाते हैं। ऑल द पार्टी डू नॉट शेयर ओनरशिप ऑफ द कंपनी, दे डू नॉट हैव द सेम कंट्रोल ओवर, मतलब कि कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है, ओनरशिप भी अपने साझा नहीं करती है, क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारा बाय ज्वाइनिंग फोर्सेस ज्वाइंट वेंचर फर्म्स कैन इंक्रीज इट्स सोर्सेस, व्हेन अ कंपनी फॉर्म्स अ ज्वाइंट वेंचर विद अ पार्टनर अंदर पार्टी इट गेन्स लार्ज रैपिडली एक्सपेंड मार्केट होता है, टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट होता है, इससे क्या होगा मार्केट ज्यादा से ज्यादा कवर किया जाएगा क्योंकि नए टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा, क्रिएटिव आइटम्स बनाए जाएंगे, इंटरनेशनल फर्म इन्वेस्ट इन इंडिया, इससे क्या होगा कि दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में क्या करती है इंट्रोड्यूस करती है, गुडविल बढ़ती है, भैया पता है रेपुटेड कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे थे उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली क्या होती है इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये क्या होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्क्राइब्ड एज अ कोलैबोरेशन बिटवीन पब्लिक प्राइवेट एंटिटीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर सर्विसेज, फीचर्स क्या है, गवर्नमेंट एंटिटीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट म्यूनसिपलिटीज मिनिस्ट्री स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज आर द पब्लिक पार्टनर इन पीपीपी, कौन कौन हो सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, म्यूनसिपलिटीज होगी, मिनिस्ट्रीज होगी, स्टेट गवर्नमेंट में होगा, किसको पीपीपी में पूछा गया क्वेश्चन है, माइट बी लोकल इंटरनेशनल दे कैन बी इंक्लूड एंटरप्राइजेज और इन्वेस्टर्स में, इन एडिशन टू सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस होगा, लोकल एक्सपर्टीज गवर्नमेंट कमिटमेंट टू पीपीपी टू टेक सेफ फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स दैट सपोर्ट पार्टनरशिप, प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है, पार्टनरशिप इज टू अप्लाई टू नॉलेज एंड ऑपरेशन टास्क मैनेजमेंट इनोवेशन टू एफिशिएंसी एंड द बिजनेस फंड काम इतने तरीके से काम कोर्स में ज्यादा काम करने का एग्जांपल है इसका पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाटर सैनिटाइजेशन वेस्ट डिस्पोजेबल ये क्या है इसके एग्जाम्पल से मैरिज क्या है ट्रांसफर ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन रिस्क पोटेंशियल एक्सीलेटेड और ज्यादा से ज्यादा काम किया जाएगा डिजाइन को कंस्ट्रक्शन क्या होगा शेयर किया जाएगा लिमिटेशन क्या है कंप्लीट अब लड़ाई झगड़ा हो जाता है पार्टी शुरू मेरे ज्यादा प्रॉफिट मैंने ज्यादा काम किया है इसके लिए करने के लिए कंप्लीट हो जाता है डू नॉट अट्रैक्ट प्राइवेट फाइनेंस इजीली मतलब ये इस मतलब प्राइवेट लोगों से पैसा जल्दी से नहीं मिल पाता प्राइवेट फाइनेंस इजीली अवेलेबल नहीं आता तो ये था एक क्विक रिविजन कितने तीन यूनिट्स का तीन चैप्टर्स का तो ऐसे ही आपको सभी यूनिट्स का क्विक रिविजन मिलेगा शॉर्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपनी तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।